जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ इज द टाइम टू रीड योर स्टोरीज। तो दिस वॉज द पिक्चर विच वॉज शोन यस्टरडे और जो पोस्ट किया था कल। इट्स अ वेरी क्लियर कट सीन ऑफ ए लाइब्रेरी। वी कैन सी दैट दे आर चेयर्स विच आर कैप्ड हेयर, क्यूबिकल्स विच आर कैप्ड, जनरली पढ़ने के लिए जो अलग अलग क्यूबिकल्स बनाए होते हैं। ओवर हेड पे लाइट भी है, यहां पर एक ऊपर इधर भी लाइट है, उधर भी कोई टेबल है। यहां पे बच्चा seems to be in formals if you see completely and एक पूरा का पूरा book rack है यहाँ पर जिसमें काफी अलग अलग तरह की books रखी हुई है। अब ये library कई तरह की library होती है and if you see this generally चाहे वो किसी भी तरह का हो, हमें correlate करना है आपकी life से story ताकि वो ज्यादा relevant लगे। तो without wasting time let's go to the stories। एक और before I start, काफी बच्चे बोलते हैं कि सर आप हर स्टोरी का थीम पढ़िए। एक्चुअली वी आर नॉट रीडिंग एवरी स्टोरी बिकॉज इतने वीडियो में वो हर स्टोरी को पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन थीम हर स्टोरी का आई कीप गोइंग थ्रू। जनरली आई गो थ्रू एवरी स्टोरी विच यू पोस्टेड हियर, इट्स नॉट दैट आई डोंट गो थ्रू, बट क्योंकि वो थीम को हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आज की अगर हम स्टोरी की बात करें तो लाइब्रेरी का ही थीम, लाइब्रेरी ही मतलब बच्चों ने अधिकतर ने ऑब्जर्व किया है, बट कई कैटेगरी में वो थीम को डिवाइड किया है। जैसे कोई बच्चा अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ही ज्वाइन सम लाइब्रेरी, हाउ ही गो अबाउट इट। किसी का हीरो एक लाइब्रेरियन है, हाउ ही मैनेज एंड शो इंटरेस्ट और क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द कैंडिडेट दोज हु वांट टू प्रिपेयर समथिंग एंड कम टू लाइब्रेरी। तो इस तरह से थीम्स को अगर आप बेसिक में डिवाइड करोगे, सो आई जनरली डिवाइड द थीम्स इंटू टू थ्री पार्ट्स। ये क्या है, उसमें सिर्फ कैरेक्टर ही थोड़ा बहुत चेंज होते हैं, बाकी थिंग्स गोज इन ए सिमिलर मैनर। कैरेक्टर्स आपने एक ही परसीव किया है, मूड पॉजिटिव है। अगर इसके अलावा कोई भी मूड है तो डेट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज वो नॉर्मल है, आराम से बच्चा उधर में पढ़ रहा है, तो उसमें कुछ नेगेटिव या न्यूट्रल होने की जरूरत नहीं। जैसे हम कुछ लाइक लेट्स टेक द स्टोरी, आकाश हैड वर्क लाइक एस्टेब्लिशिंग लाइब्रेरी फॉर नीडफुल स्टूडेंट। तो नाउ अगेन इसे लाइब्रेरी है लेकिन वो लाइब्रेरी तैयार कर रहा है बच्चों के लिए ताकि हो सके। आकाश हैड वर्क एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एन एमएनसी, ही हैज अर्नड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर, ही हैड डिसाइडेड टू ओपन ए लाइब्रेरी फॉर नीडफुल स्टूडेंट्स। बिफोर आई गो फर्दर मैं यहाँ पे एक चेक मारना चाहता हूँ, आपके स्टोरी में मॉनेटरी पार्ट इतना प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए बिकॉज बिफोर यू स्टार्ट समथिंग देयर शुड बी ए विजन। यहाँ पे अगर आप एक लाइब्रेरी बना रहे हो, आपके दिमाग में एक विजन है, आप कहां से स्टार्ट करते हो, आप डायरेक्टली ये बताना चाहते हो कि उसने काफी पैसा कमा लिया है। डू नॉट लिंक एवरीथिंग टू द मनी, कि ऐसे नहीं है कि उसका पैसा नहीं होता तो वो स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके अलग अलग तरीके हैं। तो दिस फर्स्ट सेकंड लाइन सेल्फ फ्रॉम हेयर टू हेयर आई वुड लाइक कि ये अगर ना होता तो स्टोरी कुड हैव मूव्ड इन सम फ्लो अदर देन पुटिंग दिस। ही हैड डिसाइडेड टू ओपन ए लाइब्रेरी फॉर नीडफुल स्टूडेंट्स, ही हैड डिस्कस्ड दिस विद द हायर अथॉरिटीज एंड एमपीज देयर एंड गेन परमिशन आफ्टर ए ईयर ही हैड कंप्लीट। नाउ स्टोरी का एक पार्ट है व्हाट पीपीटी स्टोरी का, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, What is happening now and most likely outcome? तो आपका story direct start होता है what is happening now? He decided उसने कर लिया और ये कर रहे हैं, but what led to the situation? Why he want to open you know a library into this area? तो ये बताना बहुत जरूरी है। So that's why story flow in a three different ways: past, present and future. Clear? So it is something like what led to him to take this decision that he want to open a library, to open a library what action he has taken, action aapne kafi acche likhe hain aur bhi kuch hain isme, and then what is the later outcome. Now abhi dekhiye story mein, due to this a significant number of people from the nearby village had cleared different competitive exam like UPSC, CSC, NDA, CDS etc. later the authorities also awarded him for this initiative. Yani ki एक्शन है उसका आउटकम भी अच्छा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई से कि डू नॉट लुक फॉर द एप्रिसिएशन एट एवरी और मे बी अवार्ड और समथिंग एट एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि आपका मेन एम था कि जिनको जरूरत है उनको मिले, एंड आई थिंक योर एप्रिसिएशन इज इटसेल्फ इनटू दिस कि इतने सारे बच्चे उसके एडवांटेज ले रहे हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। दिस इज मोर यू नो हैप्पीनेस रादर देन यू नो दिस मे बी समवन आल्सो टेक some take away from this और उसके बाद कहीं और library open होता है और area में, that can be much better rather than look for a award. Now a different kind of another story is if you see here, यहां पर क्या है कि
Sandeep was a 22-year-old boy who has always dreamed of improving the lives of people of his country. So he decided to become an IAS officer. He joined a new library where he was going through books, and he luckily got a book. As a man, think he is a something. I mean, going to write maybe some spelling mistake here. As he found the book quite interesting, so read the whole book. He understand the value of positive thinking. Also got that not as a joke, and even we should say bad about oneself. अब देखो थोड़ा सा कहानी घूम गया इधर में. स्टार्ट कहीं और से हुआ. वो किस उसको आईएएस ऑफिसर बनना है, उसके लिए उसने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है. एंड देयर आफ्टर लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, आप एक अलग बुक में चले गए. एंड उसके बाद क्या हुआ, दो ही वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड आफ्टर फेलिंग इज इन फर्स्ट अटेम्प्ट. फेल होके पास हुआ, एंड देन उसके बाद वो फिर से हार्ड वर्क करता है एंड पुट स्मार्ट बोर्ड फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट. अभी वो बना नहीं है इसे कि एंड ड्रीम इनटू रियलिटी इन थर्ड अटेम्प्ट, बेसिकली उसका थर्ड अटेम्प्ट. अब नाउ यू टॉकिंग अबाउट द उसके बाद क्या करे. तो ये बहुत ही आप क्या कर रहे हो कि आप बहुत सारी अलग अलग चीजों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हो. इधर यू टॉक अबाउट द काइंड ऑफ इनिशिएटिव ही हैज टेकन और हिज हार्ड वर्क. लाइक आपका थीम बहुत क्लियर होना चाहिए. कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक ही जगह बहुत सारी चीज डालने का कोशिश करते हैं. एंड आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, जितना आप लिमिटेड मतलब जितना क्लियर रखोगे आपका मेन थीम क्या है, उतना ज्यादा बेटर है. नाउ आर्यन इज हैविंग हिज बोर्ड एग्जाम आफ्टर 3 months, सो ही मेक्स ए प्रॉपर टाइम टेबल और रूटीन वेयर मोस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंड इन द स्कूल लाइब्रेरी, रीड बुक्स एंड रिवाइज देयर एंड सॉल्व द सैंपल पेपर. ही ऑल्सो क्लियर डाउट बाय कंसल्टिंग हिज टीचर और फ्रेंड्स. ही पुट ऑल हिज एफर्ट इन दीज 3 months. लेटर आफ्टर द एग्जाम ही हैड पास्ड विद गुड परसेंटेज. ऑल द फैमिली मेंबर्स फिल विद हैप्पीनेस एंड कॉन्ग्रेचुलेट्स हिम और कॉन्ग्रेट्स हिम सम स्पेलिंग मिस्टेक अगेन. गुड स्टोरी. थोड़ा सा आप अंकित राज, यू कुड हैव इन्वॉल्व मोर एक्शन, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा जेनरिक है. स्टोरी इज गुड, आई स्टिल से आई गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ स्टोरी, आई गिव इन. बिल्कुल सिंपल सा स्टोरी है जो दिखाया गया है, और आपका 17 प्रोवाइडेड यू आर एनडी कैंडिडेट और एनडी एस्पिरेंट स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, एज 17 है, क्लास 12th में हो, दैट इज ऑलवेज गुड. ये बहुत सही शॉर्ट क्रिस्प है, लेकिन थोड़ा एक्शन में मतलब यू नो यू व्हेन यू टॉक अबाउट यू स्पेंड द स्कूल लाइब्रेरी रीडिंग बुक्स एंड रिवाइज देम सॉल्व द सैंपल पेपर्स एंड देन क्लियर डाउट, तो काफी कुछ आ गया है. अंडरस्टैंड, बट अ बिट स्मॉल अमाउंट ऑफ मोर एलोबरेशन कुड हैव मेक इट स्टोरी मोर परफेक्ट, बट आई विल गो अहेड विद दिस स्टोरी एंड मे बी. लेकिन थोड़ा छोटा है, क्योंकि इसको बोलने में और करने में जब आप इसको नरेट करो तो मुश्किल से इसको नरेट करने में आपको 10 से 15 सेकंड लग जाएगा. इट इज टू शॉर्ट ए स्टोरी, सो बेटर टू फिल सम यू नो मोर डिटेल्स, क्योंकि आपकी तैयारी में और भी बहुत सारे चीज इन्वॉल्व है, उसको आप दिखाइए यहाँ पे. How you take advantage of library or कैसे करते हो, that will be a much better story. At least take 30 to 40 second in narrative story. Including your number of character, their age, mood, gender. Because उसको बताने में मुश्किल से आपको 7 to 8 seconds and then 30-35 seconds आपको ना story पढ़ने में लगना चाहिए. That will be, I think, ideal kind of a time. Try to be, I mean, अगर extend भी होता है तो उसको आपको 1 minute के अंदर रखना है. But a minimum कम से कम time duration should be 35 seconds. In reading your story, 35 to 40 seconds, that will be tick-tock time like that. Otherwise, it will be too short and like you are, you know, rushing into this. Again, इसमें देख रहे, while another story हम पढ़ते हैं, Kanishk is 22, while walking through the library, he saw a book. That book was about spirituality and laws of universe. And I think I will not go ahead with this because आप कहीं ना कहीं, you know, you are diverting something. Where I am looking is, such a story where a single character is standing and doing something. I'm looking more of an imagination into hard work. What do you do? Your initiative, your intelligence and something. And you are just going through something that, you know, doesn't comes out with you. You are slightly going into a different field altogether. I'm not saying something is good or bad here. But what I want to tell you is, story thoda relevant aana chahiye. Toh aap uspe ab kya leke ja rahe ho? Now you're talking about spirituality and you're talking about something, you know, other spirituality book उसने पढ़ना start किया. He is spiritually awakened, his way of perceiving and facing the problem in his life become different and easy. He explained the same to his classmates, share his knowledge, whatever he learned. He also wanted the people around the world to know about it, so he created a YouTube channel. Now आप spirituality में आ गए हो, and then you are creating something you look forward on a social media, become a content creator. You know, you are not saying that he is become a spiritual, you know, spreading awareness. You are saying he become a content creator, share his knowledge to other people and all. I overall say no to this story because I'm looking for a defense officer, and what kind of a
आइडिया यू आर क्रिएटिंग एंड जनरेटिंग फॉर मी, और मुझे आप में ऐसा क्या दिख रहा है कि आई शुड यू नो गो अहेड विद योर स्टेज वन स्क्रीनिंग की भाई आप ऑफिसर मेटेरियल हो इन आर्म फोर्सेस. नाउ वन मोर स्टोरी हियर इज कि वेरी स्टोरी इन अ फ्यू वर्ड्स, टू एंड हाफ लाइन और मे बी लेस देन थ्री लाइन्स, आई डोंट गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ स्टोरी. आई टोल्ड अर्लियर आल्सो कि स्टोरी एक थोड़ा बड़ा होना चाहिए, डिटेल में होना चाहिए. जैसे इसमें लिखा है प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, रीडिंग सम बुक्स इन पब्लिक लाइब्रेरी फॉर हिज ड्रीम टू बी डॉक्टर ट्रू. हु इज ए डॉक्टर ट्रू? इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज ड्रीम. ही इज रीडिंग बुक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. ये थोड़ा सा वाना बी काइंड ऑफ स्टोरी है, मतलब हमें बहुत कुछ करना है लेकिन हमारे पास कोई एक्शन नहीं है. तो ऐसा स्टोरी में भी आई विल से नो, यू नो आई वॉन्ट टू रीड नाउ हेयर. दोनों तरह की स्टोरी, अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, a good story and a you know neutral story and the story where I will not say go ahead, because jitna aap usse seekhte ho ki kya nahi karna hai, that is more important. So Kamal Kumar ka jo story likha, I still say, I mean you need to elaborate more. Aap to ek wo aise lage mujhe wo bhi karna hai, aise bhi karna hai, without any action if you keep saying, it doesn't impact much. Now again let me you know find out a good story again. Sanjay 28, a library officer at National Library, Kolkata, West Bengal. He observed the reader of different age, exams and interests. He decided to make three sections of book setting. He told their staff, with help of them, he divided the section, arranged the book. After half day, he saw the reader setting position have been changed and meeting with same age and interest made the reader more friendly. Visiting numbers two. He also converted one room into discussion hall by this way of collaboration of same interested increase the number of reader. He felt happy and thankful for his team for support. I say this is a very good story. Isme aapko thoda sa I don't know what your name is, because I think it's some kind of a different name coming here. Lekin what you need to learn here is thoda sentence ko reframe karna seekhna hai, kaise project karna hai bachcha, wo aapko seekhna hai. Team acha hai, detail bhi hai, matlab aapka jo idea bahut acha idea hai ki aap kaise you bring out some changes in the library, make it you know more interesting for the readers, how it can be more you know helpful. Maybe you could have taken the help of some AI or computer where you make everything available, availability of seats, everything and all. But aapko, moreover, I say it's a very good story, but aapko ek sahi sentence mein usko likhna nahi aaya. Ek to grammatical bahut error hai, bahut aise likha hai aapne, but I think it could have been a wonderful story, and with practice I'm sure you will also able to write, because idea आपका बहुत अच्छा है. Now again, बहुत छोटा story है, एक और 2.5 lines का. It started as a defense startup and management skill. This story generally, you know, it's again wannabe story. आप बोल रहे हो कि उसको ये करना है, उसने मेहनत की और हो गया. ऐसे नहीं होता है. क्या मेहनत किया ये बताना बहुत जरूरी है आपके स्टोरी में, अदरवाइज नो. अच्छा एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, नाउ आई विल गो बैक टू दिस, बिकॉज ऐसी स्टोरी में, ऐसी पिक्चर्स में ध्यान रखना बहुत जरूरी है. व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ ए पिक्चर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे थीम गलत होना बहुत मुश्किल है बच्चों का. सबका कॉमन ही थीम रहेगा लाइब्रेरी से. एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज, इफ आई से 98% ऑफ द स्टोरी विच आई हैव रेड टूडे वर ऑन लाइब्रेरी. अभी डिफरेंस कहां है? डिफरेंस दो तीन चीज में है. एक तो आप उसको क्या, अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक तो डिफरेंस है आपके आइडिया में. आइडिया क्या है? लाइब्रेरी को रिनोवेट करना, लाइब्रेरी बनाना. एज ए स्टूडेंट आप अपना ये पढ़ाई करके कुछ आगे आना चाहते हो, आप कुछ दूसरों के लिए बना रहे हो, और सारे आइडिया और थीम बहुत अच्छे हैं. थीम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे थीम में होगा भी नहीं, परसेप्शन सभी का सही रहेगा. प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ आ रहा है? द वे यू राइट. Someone you just say कि आपने ना, आपने you tell your subordinate, you tell somebody to do this and all, and somewhere you say कि you know you get it done or you are involved into this. तो एक में आप action ले रहे हो और एक में सिर्फ बता रहे हो. पहला difference तो ये आता है. दूसरा difference आपका कहां पर आ रहा है? The framing of your sentences, that is very important. And moreover, जहां पे like a single character है, what I want you to imagine in terms of, because यहां पर कुछ more of our intelligence should come out, or hard work, dedication, and not just by writing. Never ever started a story he was very hard working and dedicated and intelligent boy or something. No, you should, ye jo quality aap bolte ho, aapke kahani se bahar nikal ke aana chahiye. Otherwise aisa lagta hai ki ise khud hi apni tareefon ke aap pul bandh rahe ho. You keep you know saying so many good things about yourself, on your own you are saying all these things. So better your story should reflect all these characteristics of a
हीरो एंड नॉट लाइक यू आर टेलिंग ऑल दिस थिंग्स. आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगेन आई विद द एंड आई विल एंडिंग दिस वीडियो बाय टेलिंग यू द टेक अवे. टेक अवे इज दिस रीफ्रेमिंग ऑफ योर सेंटेंसेस शुड बी कर आई मीन फ्रेमिंग ऑफ योर सेंटेंसेस शुड बी करेक्ट. सेकेंड थिंग इज सम काइंड ऑफ ए लीडरशिप क्वालिटी शुड रिफ्लेक्ट इन दीज काइंड ऑफ स्टोरीज. एंड देन वेन एवर यू मेक सच ए स्टोरी यू विल फाइंड दैट देयर इज ए लॉट्स ऑफ कॉमन थिंग्स. आई मीन जब इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा. लेकिन आप अपने स्टोरी किस डायरेक्शन में लेके जाते हो, क्या क्वालिटी दिखाते हो और कैसे लिखते हो विद कीपिंग इन माइंड व्हाट लेड टू द सिचुएशन. ऐसा क्या हुआ कि ये कर रहा है जो इस हालत में अभी. व्हाट इज हैपनिंग नाउ, व्हाट इज यू ही इज करंटली डूइंग और मे बी व्हाट ऑल एक्शन ही इज डूइंग. एक्शन का मतलब ये नहीं है राइट नाउ इज रीडिंग ए बुक और समथिंग स्टैंडिंग एंड फाइंडिंग आउट ए बुक. एक्शन आर लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ ही वॉन्टेड टू सेटअप ए लाइब्रेरी, व्हाट लेड हिम टू सेटअप ए लाइब्रेरी, what action he took to set up a library and what are the result, what it lead to, kya hua finally karne se fayda kya hua. same agar wo motivated hai, usko exam hai, what led him to reach to this library aur abhi wo kya 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 usne yahan pe aake kya practices kiya and finally what was the outcome, uska result kya raha. I hope you get this thing. see you tomorrow then. till then jai hind jai bharat.